बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं ग्रेटन के चैप्टर नंबर 10 की पार्ट 3 की वीडियो। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कंट्रोल ऑफ एक्साइटेशन एंड कंडक्शन इन द हार्ट। बेसिकली सबसे पहले हमने देखना है पेस मेकर का कॉन्सेप्ट। पेस मेकर होता है क्या है हार्ट के अंदर? देखिए सीधी सी बात है, आपके हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है जो कंसिस्ट कर रहा है, साइनस नोड भी है उसमें, एवी नोड भी है, प्रकिंजी फाइबर्स भी हैं, ठीक है ना। कंडक्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं ना, और आपने ये स्टडी कर लिया है कि इन पार्ट्स के अंदर एक सेल्फ एक्साइटेशन होती है, यानी कि ये ऑटोमेटिकली एक्साइट होते चले जाते हैं, ठीक है। अब हमने इस पार्ट किसी एक पार्ट को ये जिम्मेदारी देनी होती है कि भाई आपने खुद भी एक्साइट करना है और बाकी हार्ट को भी एक्साइट करवाना है, ठीक हो गई बात। तो किसको जिम्मेदारी देते हैं? आमतौर पे साइनस नोड को ये जिम्मेदारी मिली होती है कि उसने खुद भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और बाकी सारे हार्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ये जिम्मेदारी साइनस नोड को क्यों दी गई होती है भाई? क्योंकि साइनस नोड सबसे ज्यादा तेजी के साथ हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। एवी नोड को अगर देखा जाए तो एवी नोड 40-60 टाइम्स पर मिनट एक्साइट होता है या कॉन्ट्रैक्शन करवा सकते हैं। प्रकिंजी फाइबर्स को देखा जाए तो वो 15-40 टाइम्स पर मिनट एक्साइट होते हैं, ठीक है। जबकि साइनस नोड को देखा जाए तो साइनस नोड 70-80 टाइम्स पर मिनट उसका एक्साइटेशन की स्पीड है, ठीक है। तो होता यही है कि नॉर्मली पेस मेकर साइनस नोड होता है। हाँ, कुछ एबनॉर्मल कंडीशन में हो सकता है कि ये पेस मेकर वाली जिम्मेदारी किसी और को दे दी जाए, वो आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्या वजूहत होती है उसकी। अब होता बेसिकली क्या है, नॉर्मल हार्ट के अंदर पेस मेकर की जिम्मेदारी साइनस नोड कैसे संभालता है वो यहाँ पे इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन किया है। होता बेसिकली क्या है, देखें मिसाल के तौर पर हम प्रकिंजी फाइबर ले लेते हैं जिसकी स्पीड क्या थी 15-40 टाइम्स पर मिनट। इस स्पीड से ये हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकता है। अब होता है क्या है, प्रकिंजी फाइबर इरादा कर रहा होता है हार्ट को, प्रकिंजी फाइबर स्लो है साइनस नोड तेज है, ये तो समझ आ गई ना। अब होता है क्या, प्रकिंजी फाइबर इरादा कर रहा होता है भी हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने का, इतने में साइनस नोड करवा भी देता है, लो जी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद दोबारा जब अगला साइकिल शुरू हुआ, दोबारा प्रकिंजी फाइबर स्लो कोशिश कर रहा होता हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाने की, इतने में साइनस नोड करवा भी दिया। तो एज अ रिजल्ट ये जो प्रकिंजी फाइबर होते हैं और एवी नोड होते हैं इनको लीड करना शुरू कर देता है साइनस नोड, ठीक है, या इनका लीडर बन जाता है साइनस नोड। ये बेचारे अपनी सिस्टम को, इनका अपना सिस्टम काम में नहीं आता क्योंकि ऑल्दो ये खुद भी स्पीड से हार्ट को पंप करवा सकते हैं लेकिन हार्ट उससे ज्यादा स्पीड से पंप हो रहा है, इसलिए इनका कोई रोल नहीं रह जाता नॉर्मल इंसान में, इनका कोई पेस मेकर में रोल नहीं रह जाता, सिर्फ कंडक्शन में रोल होता है, ठीक है। बात अब आता है फिर एबनॉर्मल पेस मेकर्स क्या होते हैं। यार अगर साइनस नोड के अलावा हार्ट में कोई और जगह पेस मेकर बन गई है तो उसको हम कहते हैं एबनॉर्मल पेस मेकर, या हम उसको नाम देते हैं एक्टोपिक पेस मेकर। क्या नाम देते हैं? एक्टोपिक पेस मेकर। अच्छा, साइनस नोड के अलावा कोई और जगह कैसे पेस मेकर बन सकती है? अगर किसी और जगह में कोई ऐसी अचानक कोई एबनॉर्मैलिटी की वजह से या किसी भी वजह से किसी और जगह ने साइनस नोड से ज्यादा स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू कर दी तो पेस मेकर वो जगह बन जाएगी जो ज्यादा स्पीड से कॉन्ट्रैक्शन करवा रही है। मिसाल के तौर पे जो एवी नोड है वो 40-60 टाइम्स पर मिनट बीट करवा रहा था और साइनस नोड 70-80 टाइम्स मिनट पर बीट करवा रहा था, ठीक है। अचानक एवी नोड को कोई ऐसा जज्बा चढ़ा कि उसने 80-90 टाइम्स पर मिनट बीट करवाना शुरू कर दी तो फिर क्या होगा, पेस मेकर का काम एवी नोड अदा करना शुरू कर देगा, ठीक होगी ना बात, समझ में आ गई बात की। अच्छा, ये जो एटॉपिक पेस मेकर है इसकी एक और वजह भी हो सकती है। यार ये भी हो सकता है कि साइनस नोड अपना काम सही से कर रहा है, साइनस नोड 70-80 टाइम्स पर मिनट बीट करवा रहा है लेकिन साइनस नोड का पैगाम एवी नोड तक पहुंच नहीं पा रहा, यानी ये जो स्पेस, ये जो आपके इंटर नोडल पाथवेज हैं इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई ब्लॉकेज ऐसी आ गई है कि वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स पहुंच नहीं पा रही। जब वेंट्रिकल्स तक साइनस नोड की इम्पल्स नहीं पहुंचेगी, वेंट्रिकल्स की इस कंडक्टर सिस्टम को साइनस नोड लीड नहीं कर सकेगा तो थोड़ी देर बाद एवी नोड कहेगा चलो यार मेरी जो अपनी स्पीड थी 40-60 टाइम्स पर मिनट, जो मेरा अपना सेल्फ एक्साइटेशन की स्पीड थी, कम से कम उससे तो वेंट्रिकल्स को मैं कॉन्ट्रैक्ट करवाऊँ ना, तो किसी भी किस्म की ब्लॉकेज हो जाएगा कंडक्शन पाथ में तो भी कोई और एक्टोपिक पेस मेकर बन जाता है, यानी कोई और पार्ट भी पेस मेकर की जिम्मेदारी निभाना शुरू कर देता है। या मिसाल के तौर पर समझे यहाँ पे जो प्रकिंजी फाइबर है यार उसको सिग्नल मिल ही नहीं रहे तो वो कहता है यार जीरो सिग्नल होने से तो बेहतर है कि मेरा जो अपना स्पीड थी कोई प्रकिंजी फाइबर की कितनी थी 15-40 टाइम पर मिनट, कम से कम उसी स्पीड से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दूं, ठीक है। तो ये जो सिस्टम होते हैं ये किसी ब्लॉकेज की वजह से कोई और पेस मेकर बन जाता है और उसको हमने क्या नाम दे दिया, एक्टोपिक पेस मेकर। एक मसला है
ब्लॉकेज हो जाने के बाद किसी और जगह को पेसमेकर बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, कुछ तकरीबन 5 से 20 सेकंड लग जाते हैं। उसकी क्या वजह है यार, पहले ना असल में साइनस नोड ने सारी जिम्मेदारी संभाली हुई थी, तो बाकी सारा हार्ट जो है ना वो सुस्ती का शिकार हो गया हुआ था। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे ये जो एवी नोड है, हमें पता है इसका सेल्फ एक्साइटेशन रिदम स्पीड क्या है, 40 to 60 टाइम्स पर मिनट। लेकिन रूटीन क्या थी कि साइनस नोड को 70 to 80 टाइम्स आ जाता था और एवी नोड ने अपना सिस्टम सुलाया हुआ था कि यार तुम्हें जरूरत ही नहीं है, साइनस नोड ने जिम्मेदारी संभाली हुई है, साइनस नोड बहुत तेजी से पैगाम भेज रहा है तो रिलैक्स करो। साइनस नोड पैगाम नहीं भेजता, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड चलो थोड़ा सा एवी नोड इंतजार करता है। यार होता है साइनस नोड का पैगाम लेट हो गया हो, लेकिन बहरहाल मैंने खुद भी कॉन्ट्रैक्शन करवानी, साइनस नोड की जिम्मेदारी संभाली हुई है। कुछ तकरीबन 5-10 सेकंड जब हो गए ना, फिर एवी नोड ने हिसाब लगाया यार इस तरह तो हार्ट रह जाएगा। थोड़ी देर बाद एवी नोड ने अपनी एक्साइटेशन शुरू कर दी, सेल्फ एक्साइटेशन एवी नोड की शुरू हो गई, ठीक हो गई बात। तो वो ये कह रहे हैं कि पहले नॉर्मल रूटीन में जो एवी नोड है और प्रकृति फाइबर है दे आर ओवर ड्रिवन बाय द साइनस नोड। सीधी सी बात है, साइनस नोड से इतना तेज पैगाम आ रहा होता है तो ये तो मतलब सुकून से बैठे हुए होते हैं, लेकिन जब साइनस नोड का पैगाम आना बंद होगा तो थोड़ी देर तक तो ये इंतजार करेंगे, अच्छा यार अभी आता है अभी आता है अभी आता है, आता ही होगा बस आता ही होगा। जब नहीं आएगा साइनस नोड से पैगाम, फिर इन्होंने अपनी कॉन्ट्रैक्शन करवाना स्टार्ट कर देनी है। वो जो 5 से 20 सेकंड है जिसमें इन्होंने इंतजार किया साइनस नोड के पैगाम का और साइनस नोड से पैगाम नहीं आया, उस 5 से 20 सेकंड में हार्ट तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ब्लड तो नहीं जाएगा, तो खास तौर पे ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या ब्रेन को इश्यू होगा। इसको हम कहते हैं स्टोक्स एडम्स सिंड्रोम। क्या है स्टोक्स एडम सिंड्रोम, कि साइनस नोड ने पैगाम भेजना छोड़ दिया है, कोई नया पेसमेकर बनने को भी 5 से 20 सेकंड लगेंगे, इस दौरानिए में हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन नहीं की, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ना करने की वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं पहुंची, हो सकता है बंदा बेहोश हो जाए, फेंटिंग हो जाए। इसको हम क्या नाम देते हैं, स्टोक्स एडम सिंड्रोम, ठीक हो गया। आगे आता है रोल ऑफ प्रकृति सिस्टम इन कॉजिंग सिंक्रोनस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल मसल। नॉर्मल रूटीन में पेसमेकर का काम कौन कर रहा होता है, साइनस नोड। प्रकृति सिस्टम का क्या काम होता है, बस तेजी से पैगाम को वेंट्रिकल्स में ले जाना। वो कहते हैं प्रकृति फाइबर्स जो होते हैं वो इतनी तेजी से वेंट्रिकल्स में पैगाम को लेकर जाते हैं कि सारे वेंट्रिकल्स तकरीबन एक साथ ही कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, ये इनकी मेहरबानी है, क्योंकि इनके अंदर कंडक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा है। अगर प्रकृति फाइबर के अंदर कंडक्शन की स्पीड इतनी ज्यादा ना होती, हो सकता है आधा वेंट्रिकल पहले पंप कर रहा है आधा वेंट्रिकल बाद में पंप कर रहा है, पंपिंग की इफेक्टिवनेस बिल्कुल ही फारिग हो जाती, ठीक होगी बात। आगे आता है सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक नर्व्स कंट्रोल द हार्ट रिदमिसिटी। सीधी सी बात है, हार्ट को सिंपथेटिक नर्व्स भी सप्लाई कर रही होती हैं, पैरासिंपथेटिक नर्व्स भी सप्लाई कर रही होती हैं। ये जो नर्व्स होती है ना, ये ज्यादातर समझे हार्ट के एसए नोड और एवी नोड तक पैरासिंपथेटिक नर्व्स आपकी जा रही होती हैं, और सिंपथेटिक नर्व्स का पूछो तो वो तकरीबन हार्ट के हर पार्ट में जा रही होती हैं, मसल्स को भी अच्छी तरह सप्लाई कर रही होती हैं। सिंपथेटिक नर्व्स एसए नोड और एवी नोड को ज्यादा सप्लाई कर रही होती हैं, और थोड़ा एट्रिया को भी, यानी वेंट्रिकल्स के मसल्स को तो पैरासिम्पथेटिक नर्व्स बहुत थोड़ी कोई नर्व्स ही होती है वेंट्रिकल्स की मसल्स तक, जबकि सिंपथेटिक नर्व्स को देखा जाए तो वो तकरीबन सारे पार्ट्स ऑफ द हार्ट, चाहे वो मसल हो चाहे वो कंडक्टिव सिस्टम हो चाहे एवी नोड्स हो, उन सबको सप्लाई कर रही होती है। अब होता क्या है, एक बात तो पता है हमें, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ने हार्ट को स्लो करना है और सिंपथेटिक ने हार्ट को तेज करना है, ये तो हमें पहले ही पता है। अब किस तरह से करते हैं, बेसिकली पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम स्पीड ऑफ हार्ट को स्लो कर देता है, यानी एक तो ऐसे नोड जो कि पेसमेकर था साइनस नोड को जाके कहता है यार जरा रिदम की स्पीड स्लो करो, जरा कम सिग्नल भेजो, ठीक है, साइनस नोड ने कम सिग्नल भेजने शुरू कर दिए। फिर दूसरा जो एवी नोड था जो कि कंडक्शन कर रहा था वेंट्रिकल्स के अंदर पैगाम को, वेंट्रिकल्स के अंदर लेकर जा रहा था, वो इसको भी कहते हैं यार जरा स्लो पैगाम लेकर जाओ, जरा कंडक्शन की स्पीड स्लो कर रहा हूं। तो एज अ रिजल्ट एवी नोड को भी स्लो कर देता है, एसए नोड को भी स्लो कर देता है, यानी हार्ट के सिग्नल्स आते भी कम स्पीड से हैं और कंडक्ट भी कम स्पीड से होते हैं, ठीक हो गई बात। तो इस तरह से काम करता है कौन, आपका साइनस नोड, सॉरी पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन को आप वेगस स्टिमुलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वेगस नर्व की वजह से हो रही होती है ना। अच्छा, अब वो आगे ये बता रहे हैं कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से आपके हार्ट की पंपिंग कई दफा बहुत स्लो हो जाती है। जारी बात है, ये ऐसे नोड को इतना सुस्त कर रहा है, एवी नोड को भी सुस्त कर रहा है, तो कई दफा बहुत स्लो, और अगर कोई बहुत ज्यादा हो जाए तो कई दफा हार्ट चंद सेकंड के लिए रुक ही जाता है, इतना स्लो भी कई दफा हो सकता है कि कर ही दे, ठीक है। अच्छा, और अगर ये पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम बहुत काम कर रहा है,
और साइनस नोड से वो पैगाम जाने ही नहीं दे रहा, एवी नोड को बिल्कुल ही उसने सुला दिया है, तो क्या होगा? वेंट्रिकल्स आपको पता तो है, उन्होंने खुद कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देना है। ये बात आपको पता ना, जब पीछे से पैगाम नहीं आएगा तो पकिंजी फाइबर्स चलो कहेंगे यार कुछ ना होने से बेहतर है कि हम खुद ही अपने स्पीड पे कॉन्ट्रैक्शन करवा लें, तो अपनी स्पीड पे कॉन्ट्रैक्शन करवाना शुरू कर देंगे, जो काम यहाँ पे भी हुआ था। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि अगर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम कुछ ज़्यादा ही डोमिनेट कर जाए और वो बिल्कुल ही साइनस नोड से कोई पैगाम ना जाने दे, तो वेंट्रिकल्स फिर खुद ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू कर देते हैं 15-40 बीट्स पर मिनट की स्पीड पे। ठीक है, पकिंजी फाइबर कहते हैं चलो यार हम खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, वही 5-20 सेकंड इंतजार करेंगे, इंतजार के बाद खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है ना, वो वाली बातें सेम एज इट इज ही हैं। तो जब वेंट्रिकल साइनस नोड के असर से निकल जाते हैं और खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं वेंट्रिकुलर एस्केप। वेंट्रिकुलर एस्केप क्या है कि वेंट्रिकल साइनस नोड के असर से एस्केप कर चुके हैं, अब वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो कहते हैं यार पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ने साइनस नोड को तो बहुत सुस्त कर दिया है, साइनस नोड ने तो पैगाम भेजना ही छोड़ दिया है, हम खुद ही इंडिपेंडेंट ही बहुत रहने दो, तुम्हारी जरूरत ही नहीं हमें। ठीक है, आगे आता है मैकेनिज्म ऑफ वेगल सिमुलेशन, ये किस तरह से हम लोग ये जो एवी नोड को सुस्त करते हैं, साइनस नोड को सुस्त करते हैं, ये किस तरह से करते हैं। वेगल सिमुलेशन बेसिकली जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं वो रिलीज करती हैं एसेटाइल कोलीन। ठीक हो गया, एसेटाइल कोलीन जो फाइबर्स की मेम्ब्रेन होती हैं उनकी पोटेशियम आयन परमेबिलिटी इंक्रीज कर देते हैं। जब पोटेशियम आयन परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो पोलराइजेशन इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि पोटेशियम आयन आपको पता है ना ये हमेशा पोलराइजेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक हो गई बात, बल्कि ये दोनों के सिंपथेटिक का मैकेनिज्म और पैरासिम्पथेटिक मैकेनिज्म मैं इकट्ठा व्हाइट बोर्ड पर डिस्कस करता हूँ। ये देखिए जी, सेल के अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कैल्शियम और सोडियम ज़्यादा होता है। ठीक है, अगर मेम्ब्रेन आम रूटीन में क्या होती है, जब पोलराइज स्टेट में होती है अंदर से नेगेटिव बाहर से पॉजिटिव, ये आप देख रहे हैं नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव है, समझ लें ये जीरो है और फिर ये पॉजिटिव, ये मैं ग्राफ के बल्कि इस साइड पे आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पे -55 है मिसाल के तौर पर, यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे +20 है। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल यहाँ पे मैंने शो कर दिया है। ठीक हो गई बात, अब होता क्या है, पोलराइज स्टेट में अंदर माइनस नेगेटिव है, अगर पोटेशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर गई, हमने पोटेशियम को मेम्ब्रेन से गुजरने दिया, तो क्या होगा, पोटेशियम बहुत स्पीड से बाहर आएगा। ठीक हो गया, पोटेशियम के बाहर आने से जब पॉजिटिव चीज बाहर आएगी तो अंदर मजीद नेगेटिव हो जाएगा, जब इस अगर ये मजीद नेगेटिव हो जाएगा तो फिर एक्साइटेशन मजीद मुश्किल हो जाएगी। या देखो मिसाल के तौर पर यही लाइन है, ठीक है, और ये देखो जी इतना नेगेटिव हो गया, तो अब देखो एक्साइटेशन करने में कितना टाइम लगेगा, एक्साइटेशन मजीद मुश्किल हो जाएगी। अगर -55 नेगेटिव था तो एक्साइटेशन इतनी सी देर में हो गई थी, ठीक है, हमने मजीद नेगेटिव कर दिया तो एक्साइटेशन मुश्किल हो गई। तो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम पोटेशियम की परमेबिलिटी इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से पोटेशियम बाहर आता है और काम मजीद नेगेटिव हो जाता है, एक्साइटेशन मजीद मुश्किल हो जाती है। जबकि जो आपका दूसरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है वो कैल्शियम और सोडियम की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है, एज अ रिजल्ट कैल्शियम और सोडियम अंदर लीक कर देते हैं ज्यादा, जब पॉजिटिव चीजें अंदर आएंगी तो नेगेटिविटी कम हो जाएगी। तो क्या होता है जी, मिसाल के तौर पे ये नॉर्मल लाइन थी ना, तो नेगेटिविटी हो गई इतनी सी, तो इसके बाद तो एक्साइटेशन बहुत आसान है, नेगेटिविटी थोड़ी सी थी तो एक्साइटेशन बहुत जल्दी हो गई, ये नॉर्मल नेगेटिविटी। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ने नेगेटिविटी इंक्रीज कर दी पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ा के, और सिंपथेटिक ने नेगेटिविटी डिक्रीज कर दी कैल्शियम और सोडियम की परमेबिलिटी बढ़ा के। समझ आ गया दोनों के मैकेनिज्म किस तरह से काम कर रहे होते हैं। अच्छा, जब कैल्शियम अंदर आता है तो ये कैल्शियम मसल फाइबर्स को हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में मजीद फास्ट कर देता है। आपको पता ना कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए कैल्शियम चाहिए होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम यूज होता है। ठीक है, तो ये जब कैल्शियम, तो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम में फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया आपको, नेगेटिविटी जो बढ़ गई थी नॉर्मल स्टेट में उसको हम हाइपर पोलराइजेशन कहते हैं, इस तरह एवी नोडल फाइबर्स की और एसए नोड की नेगेटिविटी इंक्रीज कर देता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। फिर आता है जब आपके पास सिंपथेटिक स्टिमुलेशन, तो इसमें उन्होंने आपको बताया कि पैरासिम्पथेटिक में चूंकि सिर्फ एवी नोड और एसए नोड के ऊपर हमारा असर चलता था, तो हमने एसए नोड से रिदम को स्लो किया था और एवी नोड से कंडक्शन को स्लो किया था। सिंपथेटिक स्टिमुलेशन जो होती है वो ना सिर्फ एसए नोड से रिदम को फास्ट करती है,
और एवी नोट रेट ऑफ कंडक्शन को तेज करती है, बल्कि मसल्स की फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को भी इंक्रीज करती है। और उसकी वजह वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि जब कैल्शियम अंदर आ जाता है तो फिर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज कर जाती है। आगे मैकेनिज्म स्टिमुलेशन आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हुआ हूँ। सिंपथेटिक सिस्टम नर्वस सिस्टम जो होता है वो नॉर एपिनेफ्रीन को रिलीज करता है। नॉर एपिनेफ्रीन बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है, और बस फिर बीटा वन एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स ने वही काम करना है, कैल्शियम और सोडियम की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देना है। वही चीज़ जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हुई है, ठीक हो गई बात। तो थैंक यू वेरी मच। कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।